नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज मैं आप लोगों के साथ व्रत की एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज व्रत की रेसिपी में मैंने बनाया है मूंगफली मावा और कोकोनट के पेड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर हम मूँगफली को फ्राई करेंगे, तो तवे पर हम मूँगफली डाल लेते हैं और अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को यहाँ पे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मूंगफली को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसको हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम यहाँ पे कोकोनट को पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने कोकोनट ले लिया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो कोकोनट इस्तेमाल किया है वो ड्राई कोकोनट है, इसे गरी गोला भी बोलते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अब यहाँ पे सभी कोकोनट को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे बिल्कुल बारीक हमें पीस लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे कोकोनट को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो अब हम इसमें भुनी हुई मूँगफली को ऐड कर लेंगे। सारे मूंगफली को यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, तो इसको भी अब अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली और कोकोनट का जो पाउडर है वो बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्रत की रेसिपी। कढ़ाई में हम एक चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देंगे। अब इसमें तैयार पाउडर ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो मूंगफली को मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था और कोकोनट को यहाँ पे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें मावा ऐड कर लेते हैं, ये होममेड मावा है। अगर आप चाहें तो घर पे मावा तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी मावा ले सकते हैं। मावे को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावे को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसमें हम दूध ऐड कर देंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, हल्का सा बिल्कुल 2 से 3 चम्मच। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम व्रत वाला पेड़ा बना रहे हैं जिसमें हम कोकोनट और मूंगफली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको कोकोनट और मूंगफली का पेड़ा भी बोल सकते हैं, कोकोनट पीनट और मावा पेड़ा भी बोल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हम जब इसे पेड़े का शेप दें तो ये अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर तो अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये पूरी तरह से ड्राई भी हो चुका है, अब आसानी से हम इसके पेड़े बना पाएंगे। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल करके ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसको अच्छे से हम यहाँ पर मिला लेंगे एक बार पेड़ा बनाने से पहले। और अब हम पेड़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे हम हाथों में लेंगे और इस तरीके से इसे गोला करेंगे। ये देखिए गोला हो चुका है और बिल्कुल हल्का सा इसको हम दबा देंगे और ये देखिए कितना क्यूट सा पेड़ा यहाँ पर बन करके रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से सारे पेड़े को हम यहाँ पर बना करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सेम प्रोसेस हर बार आपको करना है, गोला कर लेना है और सिर्फ एक फिंगर से यहाँ पे हल्का सा दबा लेना है। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पेड़े मैंने बना करके रेडी कर लिए हैं, तो इसी तरीके से सारे पेड़े हम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर सारे पेड़े हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को मेरी व्रत की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।